गुड आफ्टरनून, आई श्री कालेन तादेंग स्पीकर आदि से। तो बहुत दुखी और बहुत भारी मन से आज हम लोग टीम आदि से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हुआ है। तो आप सबको मालूम है कि जो कल दुर्घटना ईटानगर में घटा है, तो उसको बहुत भारी मन से और बहुत दुखी मन से पब्लिक का सामने लाने के लिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है। तो अगर कल का केस में अगर देखा जाए तो ये एक मेडिकल टीम का और डॉक्टर का एक गलती दिखाई दे रहा है हम तीन आदिशों को। तो उसमें हम लोग उस विषय में हम ये बात करना चाहेंगे कि जब कभी एक सीरियस पेशेंट होके आता है, एक पेशेंट सीरियस होके आता है, जब कभी मेडिकल में एडमिट करना चाहता है उसको, जब हेमा हॉस्पिटल जब उसको एडमिट करने के लिए उसको 2-3 घंटा लगा देता है। सबसे पहले एडमिट करने से पहले उसको कोरोना एंटीजन टेस्ट के लिए बोला जाता है। तो कोरोना एंटीजन टेस्ट निगेटिव आएगा तभी आपको एडमिट करेगा बोलते हैं। तो पेशेंट रेडी हो जाते हैं कोरोना टेस्ट के लिए। तो कोरोना टेस्ट कराने के लिए भी उसको कोरोना टेस्ट किट लेने के लिए भी जाना पड़ता है आरके मिशन हॉस्पिटल ईटानगर। तो आरके मिशन हॉस्पिटल से कोरोना किट लाने में ही, कोरोना जो टेस्ट करने वाले टेक्निकल स्टाफ को लाने में ही इसमें 1 घंटा से आधा चला गया। अगर वो सही समय में अगर उसको सही ढंग से एडमिट करने से शायद तो हम 3 प्रीसियस लाइफ को हम बचा सकता था। तो उससे उसमें सबसे पहले हमको तीन आदिशों को ये दिखाई दे रहा है कि इसमें सबसे पहले गलती है डॉक्टर पोस्टिंग भायंग सर का। डॉक्टर पोस्टिंग भायंग सर से वो जब रेगुलरली चेकअप करा रहा था तो डॉक्टर पोस्टिंग भायंग सर को मालूम था ये चीज उसका पेट में ट्विंस बेबी है। तो अगर उसको वो हेमा हॉस्पिटल में जाके एडमिट करो बोलने का बजाय तो डायरेक्ट ट्रिम्स रिपेयर करता तो वो 3 प्रीसियस लाइफ को हमें बचा सकता था। तो उसके चलते हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और इंटर डॉक्टर पेटर्निटी से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि एक डॉक्टर जो होता है वो लिविंग गॉड होता है। तो एक डॉक्टर जो होता है एक लिविंग गॉड होता है। वो जो कई बीमार पड़ जाता है सब उसी से डायग्नोसिस करा के उसी के पास जाके बीमार को ठीक करा के आता है। बट कल का केस में ये चीज थोड़ा हमको लगा डॉक्टर सर का गलती है। तो उसका चलते हम ये बोलेंगे अगर वो उसको 1 घंटा या 2 घंटा उसमें नहीं बिता के डायरेक्ट ट्रिम्स रिफर कर वो बच्चा का वो 3 प्रीसियस लाइफ का 3 बहुमूल्य जिंदगी को बचा सकता था। और नंबर 2, मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश से ये अपील करता हूँ और ये दरखास्त ये अनुरोध करता हूँ कि आज का डेट में जहां भी देखो हर डॉक्टर हर नर्स कोरोना 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 का पीछे भागा हुआ है। तो हमको ये लगता है कि कोरोना हम ये नहीं बोलते ये इसको इजीली लो या ये कोई चतामुता बीमारी नहीं होती, ये दुनिया उससे इस पेंडेमिक से लड़ने में लगा हुआ है। बट देन कुछ सीरियस केस होते हैं जो बहुत ही इमरजेंसी होता है जो शायद कोरोना से भी बड़ा है। तो लाइक कल कोई कोरोना बीमार होके ठीक हो भी जाता है, 90% तो ठीक ही हो रहा है। बट देन कल का जगह में अगर कोरोना टेस्ट एंटीजन टेस्ट का बहाना नहीं बना के या कुछ इधर उधर का बात नहीं करके डायरेक्ट पेशेंट को एडमिट करा के अगर डायरेक्ट उसको सही समय में सही ट्रीटमेंट देने से उसका जान बचा सकता था। इसलिए हम चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ये अपील करेगा हर गवर्नमेंट जो प्राइवेट रन हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल हो इसमें 24/7 जो कोरोना एंटीजन टेस्ट करने वाला उसको 24/7 रखना है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उसको रखना है ताकि कल जो हमारा फैमिली में से हमारा आदि फैमिली में से 3 प्रीसियस लाइफ चला गया, कल दूसरा कम्युनिटी से आ सकता है, परसों दूसरा कम्युनिटी से आ सकता है। तो उसके लिए हम ये अपील करेगा कि 24/7 जो कोरोना टेस्ट करने वाला और कोरोना टेस्टिंग किट अवेलेबल हर मेडिकल में होना है, हर गवर्नमेंट मेडिकल में होना है और हर प्राइवेट मेडिकल में होना है।
तो उसका चलते हम इतना फील करेगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, हम यहाँ बैठ के नहीं बोलते, जो हमको गलती लगा है वो बोल रहे। तो फिर हम उसके साथ साथ जो कोरोना टेस्ट किट को 24x7 के साथ साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कल का केस हुआ है उसमें एक SIT टीम का गठन करना है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसमें एक SIT टीम को गठन करना है। कौन गलती है कौन सही है उसको रिजल्ट देना है, सो देट कि फ्यूचर में भी किसी डॉक्टर का निग्लिजेंस का वजह से हमारा किसी भी बहन का, किसी भी माँ का या फिर किसी भी पिताजी का जान नहीं जाना है। तो बस मैं यही अतिशयोक्ति टीम की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को अपील करना चाहूँगा। थैंक यू।